क्या कहेंगी शबनम मैम, आज आप जो लोनावाला गई उसका क्या रिएक्शन रहा, वहाँ पे क्या देखा आपने और क्या आप अब क्या करने वाली हैं? मैंने ये प्रेस मीट इसलिए बुलाई है क्योंकि मैंने जुबैर खान का केस जब से हाथ में लिया है, आप सभी लोग जानते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। रीजन ये है कि मुझे तरह तरह के कॉल आ रहे हैं और सारे गंदे कॉल और बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही। अच्छा फाइनली क्योंकि केस मैंने लिया था जुबैर खान का अपने हाथ में, तो उन्होंने आके एप्लीकेशन दिया था और एप्लीकेशन में ये लिखा कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब मैं जब लोनावाला पुलिस स्टेशन पहुंचती हूँ तो मुझे जुबैर खान से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसको कौन से हॉस्पिटल लेके गए। मुझे पुलिस वालों ने बताया कि मैडम उसको उस हॉस्पिटल में लेके गए थे, ठीक है। और सबसे बड़ा सच ये है मैं सिर्फ सच का साथ देती हूँ, सच के अलावा मैं दूसरा कुछ भी नहीं सुनती हूँ। अभी मेरे पास, मैंने ये 3 हफ्तों में जितनी मेहनत की है, मेरे हिसाब से जुबैर खान के केस में मैंने सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी मोल ली है, इसे दुश्मनी मोली हुई है, क्योंकि जुबैर खान के केस में कोई बाउंड्री सही है ही नहीं। वो जो बोल रहा है कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, वो गलत बोल रहा है। मेरी डॉक्टर, क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर कामत से बात हुई, उन्होंने ही उसका ट्रीटमेंट किया था और जुबैर खान ने सिर्फ 2 टैबलेट खाई थी। ही हैवंट कमिटेड सुसाइड। तो फिर बाहर आके इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या थी कि मैंने सुसाइड के अंदर किया, इसलिए इन लोगों ने मुझे बाहर निकाला। तो कहीं ना कहीं ये भी तो बनता है कि आप इतना बड़ा सोशल वर्क करती हैं, एनजीओ चला रही हैं, तो आपने देखा इस मसले को, देखा कि उन्हें इतना बड़ा प्रॉब्लम था, इतना बड़ा कि इशू था, मतलब बिग बॉस से आने के बाद, तो आपने देख के कदम उठाना चाहिए पहले अगर ऐसा था तो? नहीं, देखिए जैसे ही मैंने जुबैर खान का केस लिया हाथ में तो उसने इमीडिएटली मीडिया पब्लिसिटी कर दी कि मेरी बहन ये केस लड़ने वाली है, आप भी मेरे भाई लोग ही हैं, आप मेरी बहन हो, तो ये एकदम क्लियर पिक्चर है मेरी तरफ से कि कोई भी जब भी आएगा मेहनत मतलब मदद मांगने के लिए तो वी विल बी देयर, लेकिन उसको मिसलीड मत करो, मिसगाइड मत करो। जुबैर खान से मैं बेहद नाराज हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जो कि 101% गलत बात है। उन्होंने सिर्फ 2 गोली दिखाई थी। बिग बॉस के घर के अंदर का कुछ रूल है, वर्षा कपूर शी इज द वन विथ हुम आई एम इन कम्युनिकेशन फ्रॉम बिग बॉस हाउस, शी सेज कि मैम एस्कोरेल जैसा सिरप भी अंदर, अगर वो 5 ml जाना है तो 5 ml ही जाता है, पूरी बॉटल नहीं जाती है, तो हाउ कैन ही गेट द मेडिसिंस इनसाइड। आगे आपका क्या कदम होगा इस केस को लेके, जो भी आपने इशू बन गया है तो इसके बारे में? देखिए अभी इसके आगे वो क्या नाम था जिसके ऊपर मैंने केस बनाया, आई फॉरगेट इट हिज नेम, शेरा। अब शेरा की मेरी पर्सनल दुश्मनी होगी, बात एकदम पक्की है ना, शेरा की मेरी पर्सनल दुश्मनी होगी और सलमान खान से पर्सनल दुश्मनी होगी कि मैंने काफी अच्छा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जुबैर खान की इंसल्ट की थी मैंने सिर्फ वही देखा था, और एज एन ह्यूमैनिटी ग्राउंड मुझे वो देख के बुरा लगा था कि कोई इंसान इतना घमंडी कैसे हो सकता है कि कोई किसी को कुत्ता बुलाने बोलता है। तो यस, मैंने अब तक के जितने भी इंटरव्यू दिए उसमें मैंने ये शब्दों के उपयोग किया कि सलमान खान कुत्ता बनाने के लिए कहते हैं, मैं देखना चाहती हूँ कैसे बनाते हैं। तो इंसान जब ईगोइस्टिक हो जाता है तो ऐसी सारी बातें होती है। 2 बार उन्होंने बिग बॉस में ही सॉरी भी बोला, जो इन्होंने गलत अल्फाजों का प्रयोग किया था जी, लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रदेश गवर्नमेंट, आपकी महाराष्ट्र दोनों में बीजेपी है, तो बीजेपी का एक मेन मुद्दा रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक तरफ आपके पास शेरा जी का कॉल आया, बहुत उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया, तो आपने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का सहारा क्यों नहीं लिया कि अगर आपका प्रशासन मदद नहीं कर रहा तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रशासन ने मेरी मदद की है। मैं अगर ये कहूँ कि प्रशासन मेरी मदद नहीं कर रहा है तो गलत होगा, क्योंकि देखो इनका जो इंसिडेंट हुआ है वो लोनावला में हुआ है। मैंने 2 दिन पहले के मेयर बॉलीवुड की बातें, मैं उस पर बैठी हुई थी लहरे बॉलीवुड पर, मैंने उनको बोला कि एक्चुअली हमने शुरुआत गलत की, हमें बॉम्बे कमिश्नर को कंप्लेंट देके मतलब नहीं था, क्योंकि इंसिडेंट हुआ लोनावला में। तो लोनावला जब मैं कंप्लेंट लेके कल पहुंची तो दे आर रेडी टू टेक स्टेटमेंट, और बोल रहे हैं कि इसने स्टेटमेंट पहले भी दिया। अब मैं इसको बुला रही हूँ, मैं से फोन कर तो ही सेइंग कि आई एम सिटिंग इन द कोर्ट और वो अपने लॉयर के साथ वो कोर्ट में केस बना रहा है। अरे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो आपका ही हुआ है। हाँ, नुकसान मेरा हुआ, नुकसान बहुत हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी
झेलनी पड़ी है। अब आप किसके खिलाफ कदम उठाएंगे, शेरा के खिलाफ, जुबेर खान के, या सर क्या आपने आपको सेव? देखिए सलमान खान के खिलाफ मैंने कंप्लेंट फाइल की हुई है ऑलरेडी कि उनके वजह से कॉल जा रहे हैं, तो 30 तारीख की मेरी डेट है खार पुलिस स्टेशन में जब वो मेरा स्टेटमेंट लेंगे, तो जो भी होगा उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि सलमान खान के खिलाफ मैं पर्सनली कौन सा क्या एक्शन रिएक्शन होगा मेरा। तो अब तो बात खुल के सामने आ गई है ना, तो अब आपका आगे का क्या रिएक्शन होगा? देखिए मैं जुबैर खान का केस छोड़ रही हूँ, ये आज मैं इसमें गलती देखा जाए तो आपने पूरा या तो सही से ट्रीटमेंट नहीं किया था उस चीज का जिसके लिए आपने कदम उठाया, और दूसरी या तो आपका सहारा लिया गया है, आपको टॉर्चर अब जो आप हो रही है वो शायद इस सहारे के बिना पे हो रही है जो जुबैर खान ने आपसे लिया, ऐसा भी कह सकते हैं? अब इस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली जिस तरीके से मुझे टॉर्चर किया गया है सारे इंटरनेशनल नंबर्स है रखते हुए, मतलब सुबह के रात के 3 बजे से सुबह के 10 बजे तक कॉल आएंगे, इंसान सो ही नहीं सकता उस टाइम पे फ़ोन बजेगा, वेरी क्रिटिकल, मेरे लिए बहुत डिफिकल्टी हुई। जुबैर खान अगर मुझे सच बोल के बोलता कि मैंने सुसाइड अटैम्प्ट नहीं किया, मैं गुस्से में आया और मुझे लड़ना है सलमान खान से, मैं तो भी लड़ती, लेकिन अगर उसने गलत और झूठ का सहारा जो लिया कि मैंने सुसाइड अटैम्प्ट किया है, अब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जुबैर खान ने किया क्या था वहाँ पर और क्या हुआ था उसके साथ। ठीक है, अभी आप जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी आपका एक और वायरल हो रहा है वीडियो कि आप जुबैर खान की बहन है, तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन है आपका? भाई मेरे लिए तो तू भी मुझे आप ही बुलाता है तो मैं तेरी भी बहन हूँ, वो भी आप ही बुलाता है, वो भी आप ही बुलाता है, सारे आप ही बुलाते हैं। कुछ फैमिली रिलेशन या कजिन कुछ टाइप में? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ये बोल सकते हो कि यस मुंह बोला भाई बोल सकते हो, और इस वक्त वो जैसे ही बिग बॉस से वो बाहर निकला तो सबसे पहले उसने मेरे पास ही आया था कंप्लेंट फाइल की कि ऐसे ऐसे हुआ। जुबैर खान के लिए क्या मैसेज होगा, अब उनके खिलाफ आप कोई कदम उठाएंगे कुछ? नहीं, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह आपके साथ है, मेरे साथ है, जो अच्छा किया आपने आपके साथ है, जो अच्छा मैंने किया मेरे साथ है, लेकिन मैं गलत चीज का साथ नहीं दे सकता। तो फैसला आप 30 तारीख के बाद देंगे जो भी होगा? हाँ मैं 30 तारीख के बाद दूंगी, क्योंकि अब शेरा के ऊपर तो एफआईआर बन ही चुकी है। 30 तारीख के बाद में अगर कोई आपके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके बाद भी फ़ोन आता है कुछ इस तरह से, तो आप उस टाइम पे गवर्नमेंट की मदद लेंगी? मैंने तो गवर्नमेंट को ये बोला कि मेरा फ़ोन टैप करो, मुझे किसका फ़ोन आता है किसका फ़ोन नहीं आता, प्लीज़ आप लोग उसका पता लगा के रखो कि आपके पास होना चाहिए। इस वक्त आपका प्लान क्या है अब आगे का? अभी भी आप देख रहे हैं मेरा ब्लड प्रेशर कितना लो है, नॉट वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और एक जुबैर खान के केस की वजह से 3 हफ्ते से मैं बिजी हूँ, इससे बेहतर मेरे पास 50 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो सॉल्व हो जाते हैं मुझसे। तो जिसमें आप इन्वॉल्व हो गई, मतलब आपको अब तो ये लगता है कि मैं गलत इन्वॉल्व हुई इस केस में? नहीं, गलत नहीं कहूँगी, उसके हक के लिए लड़ना सही बात है, जो सलमान खान ने उसे कहा था कि मैं कुत्ता बना के मारूंगा तो वो हक की बात थी, उसके लिए लड़ना मेरा सही था। बट आप वहाँ तो आप कह रही हैं कि वो सब झूठ था जो वहाँ, देखिए जो सलमान खान ने कहा उस शब्द पे इसने रिएक्ट क्या किया बताया, सुसाइड अटेम्प्ट किया बताया, लेकिन सलमान खान के शब्द मैंने सुने हैं, शब्द वाकई में सलमान खान ने दो बार माफी मांगी है, सॉरी दो बार बोला बिग बॉस में कि मैं अपने अल्फाजों को वापस लेता हूँ, साथ में कुत्तों को मिला के ऐसे कुछ बोला था, आई गेस सारे कुत्तों को, तो वो माफी नहीं होती, दैट डजंट कॉल माफी, मतलब ये आपका वही रिएक्शन रहेगा जो पहले था? नहीं, मुझे सलमान खान का लेना देना, मुझे सलमान खान के लोग परेशान कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सलमान खान, आई एम गेटिंग थ्रेटनिंग कॉल, जो मुझे थ्रेटनिंग कॉल आ रहे हैं, ये शेरा ने जो कॉम्प्रोमाइज का कॉल किया था ये जो भी था कि मैं इस केस को छोड़ दूँ, तो लो मैं ये केस को फाइनली छोड़ रही हूँ, क्योंकि जुबैर खान ने मुझसे झूठ बोला, सिर्फ एक वजह है ये केस छोड़ने की। आप छोड़ रही हैं? हाँ मैं ये केस छोड़ रही हूँ, मैं एक टर्मिनेशन लेटर बना के उनको दे दूंगी कि मैं ये केस आगे नहीं लड़ूंगी, क्योंकि इसमें जुबैर खान झूठ बोल रहा है कि उसने सुसाइड अटैम्प्ट किया था, और अगर अटेम्प्ट किया था तो मैं जब कल लोनावला पुलिस स्टेशन में तुम्हारा स्टेटमेंट लेने के लिए बुला रही हूँ, एफआईआर रेडी करने के लिए बुला रही हूँ, आप बोल रहे हो कि 3 हफ्ते से आप मैं सिर्फ बातें सुन रहे हो, आप तो 3 हफ्ते से बातें सुनने की बात नहीं थी, कल था लोनावला में मेरा जाना, मतलब फाइनली एफआईआर बनाना, आपको एफआईआर बनाने के लिए बुलाया जा रहा है, आप बोल रहे हो कि आप अपने वकील के साथ कोर्ट में हो, तो आप फिर मेरे पास आए क्यों और मुझसे झूठ क्यों बोला? इसके बाद मतलब आप जो भी कदम उठाएंगे वो 30 के बाद जो भी होगा अब देखो ये एक चीज तो हो गई पक्की,
शेरा के ऊपर वो केस लॉन्च हुआ है, शेरा के ऊपर वो केस चल रहा है। सेकेंडरी सलमान खान, मुझे जो थ्रेटनिंग कॉल आ रहे हैं जिसकी वजह से उनको स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि वो फैंस उनके कॉल कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। उसमें आपका क्या रिएक्शन है? मेरे हिसाब से फैंस इंटरनेशनल फॉलोवर्स हैं उनके, इंटरनेशनल फॉलोवर्स हैं, बट वो उस तरीके की कॉल नहीं थी कि कोई फॉलोवर करे, वो प्रॉपर थ्रेटन करने की कॉल थी। और क्योंकि हमारे पास सारी कॉल रिकॉर्डेड है। केस लेने के बाद शेरा के केस भी वापस ले लेंगे आप, जो आपने? नहीं, मैं क्यों लूंगी शेरा का केस? अभी आपने कहा कि मैं केस बंद कर दूंगी, जो उसने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां दी, मैं उसको छोड़ दूंगी। मैं जुबैर खान का केस नहीं लड़ूंगी। जुबैर खान अपना केस खुद बनाए, खुद देखे कैसे लड़ता है सलमान खान से, कैसे लड़ता है बिग बॉस से। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, यस मैं बिग बॉस से लड़ने वाली हूँ एक चीज को लेकर, कि बिग बॉस में जब लोग गाली देते हैं तो बिग बॉस वहां पे बीप क्यों नहीं बजाता है? हाँ, वो गाली को क्यों सुना रहे हो? बच्चे फैमिली के साथ बैठ के बिग बॉस देखते हैं, आप वो गाली वाला शब्द उधर पे ओपन क्यों छोड़ रहे हो? इसके खिलाफ आज आपको कंप्लेंट जा चुकी है, आपकी कंप्लेंट जा चुकी है, कलर चैनल की कंप्लेंट जा चुकी है, सलमान खान से मेरी पर्सनल लाइफ फाइट चल रही है, मुझे जुबैर खान जैसे नामों की जरूरत नहीं है जिसने मेरे नाम का इस्तेमाल किया। आपका कुछ इरादा है अगले सीजन के बिग बॉस में जाने का? मैं मुंबई से एक भी दिन बाहर नहीं रह सकती हूँ, तो बिग बॉस में भी सवाल नहीं उठता। एक अच्छी पर्सनालिटी है, बैंड ड्राइव के अंदर इतना इंग्लिश चलाती हैं और बहुत लोगों की मदद की है, तो ऐसे को तो बिग बॉस हायर करते हैं अगर ऑफर आ जाए वहाँ से। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे, हिंदुस्तान की ऑडियंस से आप अपने लिए कुछ? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। ऐसा होता है ना कभी कभी कि लोग जब रो के मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरी मदद कीजिए, तो मुझे उस वक्त है ना, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मुझे उस वक्त उसके आंसू नज़र आते हैं कि वो रो रहा है, तो एक्चुअली वो रो रहा है, वो दिखा रहा है, बाद में पता चलता है कि एक्चुअली पूरा ड्रामा था। तो पब्लिक के लिए एक ही ओपिनियन, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट ईजीली एनीवन। मैंने जुबैर खान पे ट्रस्ट किया एज अ ब्रदर, उसकी बात को सच समझा। He haven't committed any suicide. अगर उसने सुसाइड कमिट किया है तो वो लेटर मुझे ला के बताया। बाकी मुझे इस केस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सलमान खान के खिलाफ मेरी जंग चालू रहेगी, कलर्स चैनल के साथ चालू रहेगी, बिग बॉस के साथ चालू रहेगी, जंग कंटिन्यू रहेगी। ये आपका आखिरी डिसीजन है? यस, थैंक यू।